नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और उनके विधायकों ने पहले से ही गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब राजस्थान की आम जनता ने भी तानाशाही गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने की आवाज उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के कांग्रेस का रवैया हमेशा से विरोध का रहा है। हमेशा से कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया है, लेकिन अब अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के इशारे पर राजस्थान प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कदम उठा दिया है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण राजस्थान के पिंक स्टोन से होने वाला था। इसको लेकर के भरतपुर में पिंक स्टोन का खनन भी हो रहा था, लेकिन अब अशोक गहलोत ने राम मंदिर निर्माण में बाधा पहुंचाने के लिए भरतपुर में पिंक स्टोन के खनन को अवैध करार दे दिया है। जी हां दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से 3 दर्जन से ज्यादा ट्रक है जो पिंक स्टोन से लोडेड हैं, वो भरतपुर में वहां पर रोके गए हैं गहलोत के अधिकारियों द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो खनन किया जा रहा है पिंक स्टोन का, ये पूरी तरह से अवैध है। यानी कि कुल मिलाकर के अब बौखलाए अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो समय सीमा राम मंदिर निर्माण को लेकर के तय की गई है, उसमें बाधा पहुंचाने का काम अब अशोक गहलोत ने शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं अब राजस्थान कांग्रेस के जो हिंदू समाज के विधायक हैं, उनको एक बड़ा तमाचा जो गहलोत ने मार दिया है, क्योंकि वो अब कौन सा मुंह लेकर के राजस्थान की जनता के बीच में पहुंचेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ने अब राजस्थान के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद गहलोत सरकार की तू-तू पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और साथ ही कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो ट्रस्टें बनाई गई है, उनके जो अकाउंट है उनको हैक करने के लिए कुछ धोखेबाजों को भी इस ट्रस्ट के अकाउंटों के पीछे लगा दिया है। और खबर आ रही है कि 3 बार इसकी कोशिश भी की गई, जिसमें 1 बार 6 लाख रुपए ये धोखेबाज है वो उड़ाने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि SBI बैंक की तरफ से ये 6 लाख रुपए ट्रस्ट को देने की बात कह दी गई है। यानी कि जो भी धोखेबाजी करके 6 लाख रुपए इन धोखेबाजों ने हड़पे हैं, वो अब कहीं ना कहीं SBI बैंक है वो ट्रस्ट को वापस देगा। लेकिन गहलोत सरकार के इस रवैये से पूरे राजस्थान में गहलोत सरकार का विरोध हो रहा है। पहले से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो घमासान हो रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत चोर हैं, गहलोत के मंत्री चोर हैं, इस तरह के नारे लग रहे थे। और अब सचिन पायलट के साथ साथ राजस्थान की जनता ने भी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। या यूं कहें कि अब जो गहलोत के चमचे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के साथ साथ अब राजस्थान की जनता से इस कांग्रेस और गहलोत को कोई नहीं बचा सकता है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में और सियासी ड्रामे के दौरान जब सचिन पायलट की तरफ से अशोक गहलोत को लेकर के एक लेटर बम फोड़ा गया, तो उसके विस्फोट से काफी ज्यादा नुकसान कांग्रेस में हुआ है। या यूं कहें कि पायलट द्वारा गहलोत को लिखे गए लेटर बम के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। विधायक कंफ्यूज हो गए हैं कि वो अब पायलट के साथ जाएं या फिर अशोक गहलोत के साथ जाएं। जी हां दोस्तों, कौन सा मुंह लेकर के अब वो जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान उन्होंने 5-स्टार होटलों में खूब रंगरलियां मनाई, और जब चुनाव घोषणा पत्र को लेकर के पोल खुली, तो उसके बाद कौन सा मुंह लेकर के अब गहलोत के विधायक जनता के बीच में जाए। ऐसे में अब उन्होंने गहलोत गुट को छोड़ना भी शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि सचिन पायलट के साथ नजदीकियां बढ़ाना भी अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। गहलोत के सारे वादे हैं वो पूरे झूठे निकले, इस तरह की बातें खुद सचिन पायलट की तरफ से कही जा रही है। गहलोत सरकार के विधायक अब ना घर के रहे हैं और ना ही घाट के, क्योंकि 2 अक्टूबर को जो रिपोर्ट कार्ड है गहलोत के विधायकों द्वारा दिखाया जाना था जनता को, वो अब कहीं ना कहीं उस पर जो संचय है वो बन चुका है, क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड झूठे तरीके से गहलोत सरकार द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे जनता से किए गए थे उसके 1% वादे भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब कौन सा मुंह लेकर के गहलोत के विधायक जनता के बीच में पहुंचे, रिपोर्ट कार्ड में अब वो क्या दिखाए जिससे कि जनता
गहलोत के विधायकों की बनी रहे, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सियासी ड्रामा हुआ है उससे राजस्थान की जनता भली भांति समझ चुकी है कि अशोक गहलोत तानाशाही रवैया अपना चुके हैं और कहीं ना कहीं जिनके नाम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था उसे सीएम गद्दी से दूर रखने का काम अशोक गहलोत कर रहे हैं और इसीलिए राजस्थान कांग्रेस की जनता, राजस्थान यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो सचिन पायलट के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अशोक गहलोत की मुश्किलें अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी को लेकर के अब फिर से संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते में 7 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं गहलोत गुट के जो सचिन पायलट से 2-2 घंटे से ज्यादा लंबी मुलाकात कर चुके हैं और जिस तरह से घमासान हो रहा है उस दौरान इन गहलोत गुट के विधायकों द्वारा पायलट के साथ मुलाकात करना ये कहीं ना कहीं बगावत का संकेत है वो दे रहे हैं या फिर अपना गुट बदलने को लेकर के कोई ना कोई संकेत दे रहे हैं। अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाने से अशोक गहलोत से कई जो विधायक हैं वो नाराज भी हैं, इस तरह की बातें सामने आई थी। और कुछ विधायक जो गहलोत गुट के हैं लेकिन पायलट के साथ नहीं जाना चाहते वो निराश भी थे और कुछ गहलोत से नाराज भी थे क्योंकि आगे पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर के विधायकों के पास जो ट्रांसफर करने का जो अधिकार होता है वो उनके पास नहीं रहा क्योंकि तबादलों पर रोक लगा दी गई थी। और अब गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और विधायकों को खुश करने के लिए इस तबादले के जो ऊपर रोक लगाई गई थी उस पे रोक है वो हटा दी गई है। गहलोत ने कोरोना संकट के कारण अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाई थी लेकिन अब जब प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा कोरोना के आंकड़े निकल चुके हैं उस दौरान अशोक गहलोत सरकार ने जो दोहरा रवैया अपनाते हुए विधायकों को तबादले के अधिकार दे दिए हैं या यूं कहें कि अब दोहरा रवैया अपनाते हुए अशोक गहलोत ने तबादले जो अधिकारियों के होने थे उससे रोक है वो हटा दी है। ऐसे में कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर तक जो तबादले हैं उस पर रोक है वो हटी रहेगी। बाड़े बंदी में विधायकों से किए गए वादे को निभाना भी जरूरी था इसलिए अशोक गहलोत ने इस तरह का कदम उठाया है क्योंकि जब अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल छाए हुए थे 5-स्टार होटलों में जब विधायक रंगरलियां मना रहे थे तब अशोक गहलोत ने इन विधायकों से खूब सारे वादे किए थे और उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफर थे इन पर जो रोक लगाई गई थी इसको अशोक गहलोत की तरफ से हटा लिया गया है। 15 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक सभी तबादलों के रोक है वो हटाई गई है और उसके बाद दोबारा रोक लगाई जा सकती है, इस तरह की बातें हैं वो सामने आ रही है। कुल मिलाकर के अशोक गहलोत से अब कई विधायक नाराज चल रहे हैं, कोई तबादले को लेकर के तो कोई मंत्रिमंडल को लेकर के, कोई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और अब सचिन पायलट की आवाज के साथ राजस्थान कांग्रेस की जनता भी खड़ी हुई नजर आ रही है। और अब गहलोत गुट के वो विधायक जो हिंदू समाज से संपर्क रखते हैं वो अब अपनी जनता के बीच में क्या मुंह दिखाएंगे, जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर निर्माण पर बाधाएं जो गहलोत की तरफ से पहुंचाई गई है, कांग्रेस की तरफ से पहुंचाई गई है, उसको लेकर के अब कई तरह के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में बाधाएं डालना ये राजस्थान सहित पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज को कतई पसंद नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब गहलोत सरकार की किरकिरी राजस्थान के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी बीच कमलनाथ ने राम का नाम ध्यान करने को लेकर के एक ढोंग भी किया था क्योंकि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर से राम की शरण में गई थी लेकिन वो सिर्फ एक ढोंग था, ये आज अशोक गहलोत ने साबित कर दिया है। सोनिया गांधी की तरफ से सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस तरह का ढोंग किया जा रहा है कि कभी वो राम की शरण में चली जाती हैं, कभी वो कहीं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सिर्फ एक ढोंग कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और कमलनाथ ने 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले जो राम की शरण में पहुंच करके हनुमान जी के भगत बन करके एक तरह से मध्य प्रदेश की जनता को संदेश पहुंचाने का काम किया था जिस पर अशोक गहलोत ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के पिंक स्टोन के खनन पर रोक लगा दी गई है, उसे अवैध करार दे दिया गया है।
गहलोत गुट के 12 से विधायक है प्रमोद बयाजैन, उन्होंने आज सचिन पायलट से 2 घंटे से ज्यादा लंबी मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रमोद बयाजैन जो 12 से विधायक हैं वो पायलट के संपर्क में हैं और आज उस बात पर मोहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। 2 घंटे से ज्यादा लंबी मुलाकात सचिन पायलट के साथ प्रमोद बयाजैन ने की है क्योंकि वो अशोक गहलोत से काफी नाराज हैं और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के अब फिर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो घमासान था वो बढ़ना शुरू हो चुका है। पायलट ने बंगला खाली करने के लिए भी अशोक गहलोत के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का एक तरह से संकेत दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से सचिन पायलट को दरकिनार करने का काम अशोक गहलोत की तरफ से किया जा रहा है, एक तरफ वसुंधरा का बंगला बचाया जा रहा है तो दूसरी तरफ अपने ही विधायक सचिन पायलट हुए, विश्वेंद्र सिंह हुए, इसके अलावा भंवरलाल हुए, इनके विधायकों को कहीं ना कहीं जो बंगला है वो छीनने की कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर के पायलट ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि यदि इस तरह का नोटिस बंगला खाली करने को लेकर के उन्हें मिलता है तो उसको वो कोर्ट में चुनौती देंगे। क्योंकि जिस तरह से पायलट 3 बार विधायक रह चुके हैं, विश्वेंद्र सिंह भी रह चुके हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि ये दो तो ऐसे जो नेता हैं कांग्रेस के जो इन बंगलों को कहीं ना कहीं नए नियम के अनुसार हासिल कर सकते हैं और उसी को लेकर के कोर्ट में जाने की तैयारियां अब पायलट कैंप ने शुरू कर दी है। पायलट ने बंगला खाली करवाने को लेकर के अशोक गहलोत को स्पष्ट चुनौती दे डाली है कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में और सियासी ड्रामे में जिला प्रभारियों की नियुक्ति के दौरान भी अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को अलग थलग करने की कोशिश की। पायलट के विरोधियों को पायलट के गृह जिले टोंक के अंदर है जिला प्रभारी बना दिया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि रघु शर्मा जैसे चोर नेताओं को सचिन पायलट कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसकी शिकायत करने को लेकर के वो अजय माकन से भी मिल चुके हैं। सचिन पायलट ने कल दिल्ली में 2 घंटे से ज्यादा लंबी मुलाकात अजय माकन से की थी। उसके बाद मीडिया में आकर के सचिन पायलट और अजय माकन ने चुप्पी भी छा ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है वो मिल चुके हैं कि जिस तरह से रघु शर्मा को नियुक्त किया गया है, जिस तरह से इन्हें जिला प्रभारी की नियुक्तियों में सचिन पायलट कैंप को ना के बराबर जगह दी गई है, इन सब मुद्दों को लेकर के अब सचिन पायलट ने अजय माकन से लंबी मुलाकात कर ली है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस से बाहर निकालने का काम अशोक गहलोत की तरफ से किया जा रहा है। पायलट कैंप को अब मजबूर किया जा रहा है कि वो राजस्थान कांग्रेस को छोड़ दे। ऐसे में अब सचिन पायलट और वसुंधरा को लेकर के एक नया राजनीतिक जो बयान है वो सामने आया है, उसके तहत कह सकते हैं कि सचिन पायलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर बड़ा ऐलान है वो राजस्थान में कर सकते हैं। उस दिन पायलट कैंप के सभी 35 विधायक कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की खबरें राजनीति के गलियारों से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट अपने सभी 35 विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर बीजेपी में शामिल होंगे और इसमें साथ दे रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हाँ दोस्तों, वसुंधरा और गहलोत के बीच में जो नजदीकियां बढ़ी उस वजह से वसुंधरा को अलग थलग पार्टी में रहना पड़ा। बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी वसुंधरा को अलग थलग कर डाला। ऐसे में अब वसुंधरा दोबारा बीजेपी में अपनी जगह बना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए धौलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर एक बड़ा प्रोग्राम भी कर रही है और बताया जा रहा है कि इसी प्रोग्राम के दौरान सचिन पायलट कैंप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राजनीति के गलियारों से इस तरह की खबरें निकल रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में पहले से ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को इसके लिए मजबूर भी कर रखा है कि वो कांग्रेस छोड़कर के चले जाएं, राजस्थान कांग्रेस से बाहर चले जाएं, चाहे वो बीजेपी में जाएं, चाहे वो अपनी खुद की पार्टी बनाएं। लेकिन इसमें एक बड़ा संशय ये भी है कि अशोक गहलोत जिन विधायकों पर अपनी सरकार बचाने की बात कर रहे हैं या इस तरह की मंशा लाए बैठे हैं वो विधायक हैं वसुंधरा गुट के, यानी कि बीजेपी के कुछ ऐसे विधायक जो वसुंधरा गुट के हैं उनके दम पर अशोक गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीति के गलियारों से खबर निकली है कि वसुंधरा राज्य के प्रोग्राम में ही, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जो वसुंधरा का प्रोग्राम होगा उसी में पायलट हैं वो बीजेपी का दामन थामेंगे, इस
इन बातों को लेकर के अब कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चल रहे चाचा ड्रामे के दौरान क्या सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर वसुंधरा के प्रोग्राम में पायलट कैंप की तरफ से कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम लिया जाएगा, इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।